पीछे पीछे ना सब लोग एक एक कर ताल रहे पीछे पीछे जब सब बजाएंगे धीरे धीरे बजाएंगे गाएंगे ना अपने आप सीख जाएंगे सर इसलिए जो जितना बढ़िया से पीछे से गाता है वो उतना बढ़िया गायक होता है पीछे जब दोहार देते हैं पीछे जब रिपीट नहीं करते हो वो जितने अच्छे तरह से रिपीटेशन करेगा वो उतना बढ़िया गायक होता है सबके सब एक मजिया रखोगे फिर सीखोगे कैसे बताओ मजिया नहीं होगा तो फिर मजिया कैसे बजाना कैसे सीखाते इसलिए श्रद्धा हासिल एक छोटी मजिया होनी चाहिए सीखो कैसे गौरंग बोलते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलते यने बरी Oh,
साथ तेज कर दो, उसके साथ तेज कर दो, हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन Ah.
done. Okay. First, I learned to play dvolak. I saw YouTube, and YouTube. I looked to other players. Everybody wants a trial. Okay? So coming so much happiness. Now see the blend mridang, without mridang, what can happen? So you are also able to try. This is the Nityananda the Prabhu Swami. Playing mridang with the Nityananda Prabhu Baladevi. Okay? Hare Krishna. Om Jnana Tumiram Dasya Jnana Jana Salakaya Chaksur Unumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. गौरचंद्राय राधिकाय इस्तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. ये जो मृदंग ना इधर रख दो, मृदंग तुम वहां रखो अपना पास में, उसको एक मृदंग दे दो. यू ऑल्सो कीप वन मृदंग एंड यू मेक सम प्लेस हियर, यू नो व्हेन कमिंग न्यू पर्सन दे कैन सिट डाउन. ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल. हरे कृष्णा, हरे कम हियर. कहाँ जा रहे हो? माला पहना हो, इधर आ जा. कोई ना तो ऊपर बैठो, तुम ऊपर बैठो और तुम भी ऊपर बैठ जाओ. ऊपर बैठ जाओ, जगह हो जाएगा ना. ऊपर बैठोगे ना वहाँ पर थोड़ी जगह मिल जाएगी. और जो थोड़ी सी उम्र वाले, थोड़ा माधवी ये वाले सबको सर पर बैठ जाओ तुम. हरे कृष्ण. वाह वाह, इतना बड़ा माला बनाया. हाँ, उसको सटके सटके बैठ के तुम बैठो बैठो. हेडफोन मिल गया सबको? हरे कृष्ण. तुम भी इधर आ जाओ. ए गोपी, इधर आ. अभी जितना है सब उधर बैठ जाओ. सटके बहुत जगह है लेकिन ठीक से बैठे नहीं. और एक एक गोपी, दो दो गोपियों का जगह लेकर बैठी है. हरी बोल. बैठो बैठो. ए सटक कर बैठो, वो आसन ऊपर उठा दो सबके साथ. हे हरे कृष्ण. उधर बैठ जाओ, वो उधर बैठ जाओ करके. उधर उधर आ जाओ, उधर एक दो आ जाओ. जो आएगा ना उधर बैठ जाएगा. हाँ उधर बैठ जाओ. हरे कृष्ण. वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वृंदाय तुलसी देवै प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण हरि कृष्ण. हरि बोल. कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम हरि राम राम राम. जोर से बोलो. बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम राम। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हम आज सबके सब श्री कद आज हम सबके सब श्री क्या किसका नाम है, नाम क्या है, श्यामा प्रिया और प्रेमावती। हाँ, आज इन्होंने अपना घर में सब भक्तों को बुलाए और घर में भगवान का कीर्तन और घर में भगवान की कथा हो रही है। इसलिए शास्त्र में बताया सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा जथा चुतादर कथा प्रसंग। कहते जिस घर में भगवान का कथा हो और कीर्तन हो, कहते सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा, मतलब पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो सब के सब वहीं पर आकर के बैठ जाते हैं। मानो बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में हमने आज स्नान कर रहे, सारे तीर्थ में आज हमने स्नान कर लिया है, हैं? इसलिए कहते उससे भी ज्यादा महत्व है तीर्थ में नहाओ, जैसे गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। जानते हो पृथ्वी में कितना तीर्थ, आपको पता है कितना तीर्थ है, बताओ तो कितना कितना बताओ पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले छह अरब है। कितना है? बोले छह अरब। आपको पता है छह अरब कितना होता है? कहते एक करोड़ कितना होता है? 100 लाख में 1 करोड़ है, हैं? और 100 करोड़ में 1 अरब होता है, हैं? ऐसे पृथ्वी में कहते 6 अरब पृथ्वी में तीर्थ हैं। लेकिन जो कहते हैं जो भगवान की कथा रूपी अमृत में जो स्नान कर लेते हैं, जो कथा रूपी अमृत में स्नान कर लेते हैं, समझो बैठी बैठी करके पृथ्वी का सारे तीर्थ में अपने स्नान कर लिया, सारे तीर्थ में बैठ बैठ कर हमारी नहाना हो गया है। कहते तो उससे भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि तीर्थ में स्नान कर तो थोड़ी सी केवल पाप दूर होगा और कुछ नहीं, फिर घर में आकर के फिर दोबारा पाप करना शुरू कर दोगे, हैं? फिर वही उल्टा पुल्टा खान पान झूठ बेईमानी फिर शुरू कर देंगे। लेकिन कथा रूपी गंगा में कोई स्नान करेगा तो ऊपर तो पवित्र हो जाएंगे, उसको बाद साथ साथ में अंदर में भी पवित्रता आ जाएगी, अंदर में भी हम पवित्रता बन जाएंगे। इसलिए कहते सबसे ज्यादा महत्व है गंगा में नहाना, यमुना में नहाना जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व है कथा रूपी गंगा में स्नान करने का, उससे ज्यादा महत्व है, हैं? ज्यादा महत्व है। इसलिए आज हम लोगों का बड़े सौभाग्यवान जो कि हम सबके सब श्री प्रेमवती और श्री श्यामा प्रिया घर में बैठी करके आज हरि कथा और भगवत कीर्तन हम कर रहे हैं, भगवत कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए भागवत में भगवान की जो कथा को वहाँ बताया, एक एग्जाम्पल दिया है, ये शराब है। शराब समझते हो नहीं, बियर, हाँ, जो अल्कोहल पीते हो, मतलब भगवान की कथा को उदाहरण दिया है जैसे शराब है। लेकिन इसी जगत में देखना, एक व्यक्ति अगर कोई शराब पी रहा है ना, अगर जीवन उसको नष्ट हो गया, वो कभी भी अपना बेटे को बोलेगा नहीं भैया तू भी पिया कर। कभी पिता बोलता है बेटे को तू पिया करो? अगर वो पी करके अगर अपना जीवन बर्बाद हो गया ना, मतलब बेटा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन खबरदार तू कभी पियाना नहीं, इसलिए तेरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कभी ये शराब नहीं पीना। लेकिन ये भगवान की कथा को भी एक शराब बताया, लेकिन ये कथा मृत को अगर कोई पान कर लेना, अगर बेटा अगर पी लेगा ना, अगर पिता अगर पी लेगा, बेटे को बोलेगा बेटा तू भी एक बार पी कर देख कितने आनंद है। अगर बेटा अगर पी लेना,
पिताजी को बोले पिताजी भगवान कथा रूपी जो अमृत है, जो कथा रूपी शराब है, आप भी थोड़ा आओ, आप भी आओ सत्संग पियो। अगर पत्नी अगर पी लेती है, पत्नी अगर पी लेती है किसी तरह से, वो अपना पति को बोलेगा, बोले एक बार चलो पी करके देखो, हैं एक बार पी करके देखो कितना आनंद है। अगर पति अगर पी लिया ना, पत्नी को भी जोर जबरदस्त पिलाएगी, बोले तू भी चल पी करके आ। अगर बहनी अगर पी ली ना, अपना भैया को बुला करके लाएगी, बोले भैया तू भी चल, तू भी एक बार पी करके देख भगवान की कथा में कितने आनंद है, तू एक बार भी पी करके देख। अगर कोई नहीं पिएगा ना, वो फिर क्या करेगा, अपना पकड़ से इरो निकालेगा, फिर खर्चा करके ना सबको दुनिया को बुलाएगा, बोले भैया आओ एक बार कथा रूपी रस में पी करके देखो, इसमें कितने आनंद है और कितने रस उसमें देखो। जैसे आज श्री श्यामा प्रिया दीदी प्रेम वृद्धि थी, और खुद पिए रस को, पी करके उन्होंने फिर अपना सबको बुलाया, बोले सबके सब आओ मेरे घर में आओ और उसको एक बार पी करके देखो, उसको एक बार पी करके देखो इसमें कितने रस और कितने आनंद है भगवान की कथा में। इसलिए पुराण में बताया गंगा पापम शशी तापम दन्य कल्प तरु हरे तथा पाप तथा पुण्यम हरे सत समागम। कहते गंगा क्या नष्ट करता है, बोले गंगा पापम, गंगा में नहाने से क्या होता है, हमारी पाप दूर हो जाती है। बोले शशी शशी तापम, शशी मतलब होता है चंद्रमा। कहते ये चंद्रमा क्या करती हैं, बोले चंद्रमा ताप को दूर करती हैं। बोले कल्प वृक्ष क्या हरण करती हैं, बोले दुख को, कल्प वृक्ष दुख को हरण करती हैं। कहते लेकिन ये जो सत्संग है ना, कहते ये तीनों को ये सत्संग नष्ट हरण करती हैं, तीनों को ये सत्संग नष्ट कर देती हैं। बोले पाप हैं तथा पाप को नष्ट करती हैं और ताप को भी नष्ट करती हैं और जीवन में दुख को भी नष्ट करता है। क्या नष्ट करता है, भगवान की कथा, ये तीनों को भगवान की कथा नष्ट कर देती है। इसलिए आज समझो हम लोगों का आज बड़ा भाग्यवान आज हम लोग है, आज सबके सब श्री श्यामा प्रिया दीदी के घर में हम आए, और इधर आ जाओ श्यामा प्रिया दीदी को आए घर में आए, और सबके सब बैठ करके भगवान की कथा और भगवान की कीर्तन हम सुन रहे हैं। आज समझो हमारी भाग्य उदय हो गया, क्या उदय हो गया है, क्या उदय हो गया है, हमारी भाग्य उदय हो गया। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ए राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण जोर से बोलो। आपको इसमें देख रहे हैं सबके सब, ये पृथ्वी का लोग देख रहे हैं, मेरे पास में फोन आता है इंडिया से, बोले हॉलैंड में बहुत सारी गोप गोपियां हैं बड़ी कथा सुन रही थी। हाँ जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्ण, हम लोग कथा गतकल कथा सुन रहे थे माधुर्य कादम्बिनी, क्या सुन रहे थे, या किसको याद है मैंने माधुर्य कल मैंने कथा क्या मैंने कहा था, किसको याद है, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, किसको याद है थोड़ी बहुत बोलो, कौन बोलेगा, बोलो कौन बोले, किसको याद नहीं, सब सब पी पा कर खत्म कर दी। हाँ कल रस को पिया और रस को पी कर खत्म कर दिया, किसको याद है, तुमको याद है कुछ है, नहीं खाना याद किया, क्या केक खाए और टफू खाए, अरे तो तुमको याद है, बोलो, हाँ बोलो, ये माइक खोल दो, वो कहाँ गया, एक ही काम करो तुम यहाँ पर बैठो, उसको दूसरों को दो। So he called all the Vedas, Puran, Upanishads, and they had to say the meaning of bhakti, but they all said not complete answer. Not meaning of bhakti. He asked, what is the very easy process? He can attend this bhakti. You know, what is the easy process? Only the Bhagavatam recited 2 shlokas, and that was very good answer. And also three instructions of Prabhupada.
where Krishna Kirtan is the best limb of bhakti, most complete. Otherwise, although you are at this moment weak and sad and we have no taste for it, don't give up. Just keep chanting and then taste will come. And the third instruction was the five limbs of bhakti, follow the five limbs. ओके ठीक है, थोड़ी बहुत याद गया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ याद किया कि नहीं? इसलिए ऐसे सुनना जैसे दूसरे दिन कुछ बोल सके, ठीक है ना? हरे कृष्ण। आज तो हमारी क्लास खत्म, विश्राम है आज तो, एक साल के लिए, पता नहीं एक साल ना 6 महीना के लिए, आज से हमारी कथा विश्राम है। इसलिए जब दूसरा बार आऊँगा फिर कथा सुनाऊँगा, ठीक है? हाँ देखो, आज हम लोग श्रवण करेंगे, उसको बाद में श्री रवि विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या बताना चाहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, देखो जो भगवान की जो भक्ति है, हैं, इसलिए जैसे इस जगत में कृष्ण गीता में कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। बोले भगवान जगत में क्यों आते हैं? बोले भगवान जगत में इसलिए आते हैं, जब जब जगत में अधर्म फैल जाए और स्त्री गो पृथ्वी हैं ऊपर में अत्याचार होने लगता है, भगवान कहते हैं मैंने तब तक जगत में अवतीर्ण होकर क्या करता हूँ, दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ और भक्तों को मैं पालन करता हूँ। कहते ये एक कारण है। कहते क्या किया कृष्ण इसलिए आते हैं ना, और कुछ कारण है? कहते ये इनकी मुख्य कारण नहीं है, ये इनकी मुख्य कारण मेन कारण नहीं है, ये इनकी गौण कारण है, साधारण कारण है। फिर भगवान मुख्य रूप में फिर जगत में क्यों आते हैं, कारण क्या? बोले इसलिए भगवान जगत में आते हैं, बोले अपना भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए, उनका विरह दुख को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। और आकर क्या करते, भक्तों का विरह को दूर करते हैं। और भगवान जो आए गोपियों को साथ में रास रचाए ठाकुर जी, क्योंकि पूर्व पूर्व जन्म में इन लोगों ने कठोर तपस्या की है, कोई श्रुतिचरी कोई मुनि लोग थे, कोई वेद का ऋचाएँ थे, पूर्व पूर्व जन्म में जो कठोर तपस्या की, भगवान इसी अवतार में आ करके गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण की और उन्होंने ये स्वीकार किया गोपियों के पास में, हे गोपियाँ ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं हो सकता हूँ। इसलिए भगवान आते हैं, भक्तों के ऊपर में विशेष पूर्वक भगवान कृपा करने के लिए आते हैं। लेकिन साधारण रूप में क्या दिखाया भगवान क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं धर्म को स्थापन करना और दुष्टों को विनाश करना, लेकिन ये मूल कारण नहीं, ये मूल कारण नहीं है, ये इनकी साधारण कारण है। इसलिए कहीं कहीं शास्त्र में बताया गया, कहीं कहीं शास्त्र में ये बताया गया भगवान कैसे मिलते हैं। एक तो कृष्ण भागवत में कहते हैं, हे उद्धव जी न साधयते सांख्य ना योग धर्म उद्धव, मेरे को तपस्या दान व्रत ज्ञान को द्वारा मेरे को कोई भी वशीभूत नहीं कर सकते हैं, मैं केवल भक्ति को द्वारा ही वशीभूत होता हूँ और कोई मेरे को वशीभूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं कहीं भगवान ये बताए जाग यज्ञ ध्यान तप को द्वारा मेरे को वशीभूत नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं ये भी बताए, कहीं कहीं ये भी बताए नहीं, ज्ञान कर्म योग तपस्या दान को द्वारा भी भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। बोले एक तरफ में कहते नहीं और एक तरफ कहते है, फिर इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये कह रहे हैं दान, भगवान दान से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो दान अगर किसी साधु के लिए कर दिया, अगर दान अपने किसी भगवान के भक्तों के लिए बा ठाकुर को सेवा में बा किसी साधु को कोई चीज दान दे दिया बस, अगर ये दान अगर साधु बा भगवान के लिए अगर हो ना, फिर वो भक्ति का कारण बन जाएगी। जैसे मैंने पहले कथा सुनाया ना, बोले एक साधु था, ये रोज एक गांव में भिक्षा करने जाता था। बोले साधु लोग क्यों भिक्षा करने जाते हैं? कहते जब कुछ गृहस्थी लोग कुछ वस्तु देंगे, चाल डाबल चावल का पैसा देंगे, संत लोग क्या करते हैं उसको लेकर के ठाकुर को सेवा में लगाते हैं। जब हमारी कोई वस्तु ठाकुर को सेवा में लगता है फिर हमारी सुकृति बनती है,
हमारी सुकृति बनती है, फिर वो धीरे धीरे उसी सुकृति से फिर एक दिन भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। संत बड़े दयालु, लेकिन वो गांव में ना एक माता जी बड़ी कंजूसी, बड़ी माइजर, बहुत कृपण थी, इतने कंजूसी, उसकी हाथ से ना एक पैसा भी नहीं निकलता है, हैं? एक पैसा भी उसका हाथ से निकलती नहीं। लेकिन वो संत जब जाते थे वो संतों को गाली देती थी, बोले दारी के तरीके शर्म नहीं आता है, भीख मांगने के लिए आ गया, भाग जाए यहाँ से, काम करे खा नहीं सकते, भीख मांगने के लिए आ गए हो। लेकिन वो संतों को पता है अगर ये कुछ वस्तु देगी ठाकुर सेवा में लगेगी तभी इसकी कल्याण। एक दिन सवेरे सवेरे, सूरीनाम से कौन कौन आए हो, कौन कौन सूरीनाम से आए हो, सूरीनाम से कौन कौन आए हो, सबके सब आए। आप देखना गांव में, अगर आप लोग गांव में रहते होंगे, वो सवेरे माता जी क्या कर रही थी, अपना घर को लिपा पोता लगा रही थी। पहले कैसे लिपा पोता करते थे, मिट्टी और गोबर से, मिट्टी और गोबर से पानी में देकर कपड़ा लेकर घर को लिपा पोता करते थे। वो माता जी घर को लिपा पोता कर रही थी, करते करते इतने में वो साधु पहुंच गए, बोले माता जी कुछ भिक्षा दो। इसको दे करके तो माता जी बिगड़ गई, बोले फिर आ गया सवेरे सवेरे, हैं, सवेरे सवेरे मुंह दिखाने के लिए आ गया, बोले लो भिक्षा। वो जो मिट्टी था कपड़ा का, कपड़ा था ना, उसको फेंक करके उसको ऊपर मारे, बोले ले जा इसकी। लेकिन साधु बड़े दयालु, बड़े कृपालु है, बोले अभी तक तो कुछ दे दे रही थी, आज तक कम से कम कुछ उसने दे दिया है, इसलिए उसको लेकर के ना अच्छे तरह से उसको पानी में धोए और उसको अच्छे तरह से सूरज में सुखाया, सुखा करके शाम को उसका बत्ती बनाया और उसको घी में डुबाया, और घी में डुबा करके ठाकुर जी को उन्होंने आरती किया, हैं, बोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना, आरती कराए ललिता दि सखी गाना, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी भूछ चूड़ा। अभी ठाकुर जी को आरती उतारा, लेकिन वो कपड़ा किसकी थी, वो माता जी की। जब वो कहाँ लग गई, ठाकुर जी की आरती में, जब ठाकुर जी की आरती में लग गई ना, अपनी आप उसका हृदय परिवर्तन हो गया अपनी आप। क्यों, जब कोई वस्तु हमारी भगवान की सेवा में लगे तभी हम परिश्रम करते हैं, शरीर से परिश्रम करके पैसा कमाते हैं, वो पैसा जब किसी भक्तों भगवान की सेवा में लगे अपने आप हृदय में भक्ति भावना जग जाती है। उसने देखा अरे मैंने तो बहुत गड़बड़ की, संत बड़े दयालु, वो कुछ भिक्षा लेने आते थे कुछ तो दिया ही नहीं, और हमने कपड़े गोबर मिट्टी से पोते हुए कपड़े को हमने छोड़ फेंक कर मारा, मैंने गलती की, कल जब वो संत आएंगे ना माफी मांगूंगी और कुछ भिक्षा दूंगी। लेकिन वो संत रोज आते हैं गांव में, जब गांव में फिर बाबा आए दूर से माता जी, रोज तो गाली देती थी, आज बोले बोले बाबा जी आज मेरे घर में भी आओ, मेरे घर में भी आना, बोले आज इसको क्या हो गया, रोज तो गाली देती थी आज ये घर में बुला रही है। जब घर में बुलाया ना, उनको प्रेम से बैठाया, चरण धोया, प्रणाम किया, माफी मांगी और उनको कुछ उन्होंने भिक्षा दिया, फिर उन्होंने भगवान की सेवा में लगाए। देखो बोले दान के द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं, अगर वो दान किसी साधु को अगर दे दिया सचमुच से, जो तुम्हारी पैसा को लेकर के भगवान की सेवा में अगर लगा दिया, नहीं तो कोई भगवान की सेवा के लिए तुमने कोई वस्तु दे दिया ना, बस उसी दान से भगवान मिल जाएंगे, उसी से ही भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। फिर बोले भैया व्रत से भगवान नहीं मिलते हैं, व्रत से भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर एकादशी व्रत रख लिया तो, हैं, आज एकादशी है ना, अगर किसी ने एकादशी व्रत अगर रख लिया तो, कहते एकादशी व्रत, जो एकादशी व्रत ये क्या है, कहते ना माधव तिथि, बोलो अरे इसको बाद में क्या, तुम लोग कोई याद नहीं करते हो, क्या बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो कोल। इसलिए ये जो एकादशी तिथि है इसको कहते माधव तिथि, भगवान की तिथि। जैसे कोई सोम करता है किसके लिए, सोमवार को किसके लिए, शंकर जी के लिए। मंगल किसके लिए, गणेश श्री हनुमान के लिए। बोले बुधवार किसके लिए व्रत रखते हैं,
सुरीनाम में रखते हैं कि हमारे इंडिया में, इसलिए कहते श्री गणेश के, श्री गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार माँ लक्ष्मी के लिए हैं, ये अलग 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 एक एक दिन व्रत होता है। लेकिन जो एकादशी व्रत किसके लिए करते हैं, बोले भगवान कृष्ण के लिए। इसका अधिष्ठात्री देवता कौन, बोले कृष्ण स्वयं। इसलिए बोले माधव अतिथि, ये क्या, बोले भक्ति जननी, बोले ये भक्ति की माँ है, भक्ति की ये माँ है। अगर ये एकादशी व्रत को अगर कोई पालन करे, हमें कोई व्रत बार व्रत रखने का जरूरत नहीं। बोले क्यों, बोले 33 करोड़ देवता कितने को मनाओगे, लेकिन जब भगवान किसको पर प्रसन्न हो जाए, कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड अपने आप खुश हो जाएंगे, और किसको खुश करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए एकादशी व्रत को बताया कल्प वृक्ष व्रत। क्या व्रत है, सब याद रखना, मैं जो कथा सुना रहा हूँ सब याद रखना। जैसे आप किसको प्रचार करोगे एकादशी व्रत रखो, वो बोलेगा क्यों एकादशी व्रत क्यों रखेंगे, आप उनको क्या समझाओगे। इसलिए सब कथा को याद रखना, ठीक है ना, ऐसे नहीं इधर सुनकर इधर निकाल दोगे। इसलिए याद, इसलिए एकादशी व्रत को बताया ये कल्प वृक्ष व्रत। बोले कल्प वृक्ष व्रत मतलब क्या, जैसे कल्प वृक्ष को नीचे आप बैठ करके जो मांगो वो वृक्ष आपको वही देता है। इसलिए ये एकादशी आप देखना, 15 दिन में एक एकादशी आती है, हर एकादशी का नाम अलग अलग है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिसकी घर में संतान नहीं होता है, संतान नहीं होता, पुत्र नहीं होता है। ये कृष्ण कैसे हुए हैं, ये नंद और जसोदा ने देखा, हमने सारे व्रत किया है, सारे तपस्या हमने किया, सारे यज्ञ कर लिया, लेकिन एक व्रत अभी तक नहीं किया, एकादशी जो पुत्रदा एकादशी व्रत हमने नहीं किया। जब दोनों पुत्रदा एकादशी व्रत की, उसी रात को उन्होंने स्वप्न देखा, कृष्ण स्वयं नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया, उसको पीछे पीछे एक सुंदर लड़की प्रवेश की, फिर इनके हृदय से फिर जसोदा के हृदय में प्रवेश किया, फिर माँ जसोदा गर्भवती धारण की। इसलिए जिनकी घर में संतान नहीं होता है, कहती ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखे, घर में पुत्र की जन्म होगी। एक एकादशी का नाम है पापमोचनी। पापमोचनी मतलब किया, जीवन में ये दुख कष्ट का कारण क्या है, कारण है हमने जो पूर्व पूर्व जन्म में जो पाप करके आए, वो कर्म पाप का कर्म को भोग कर रहे हैं। इसलिए कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से दुखी, परिवार से दुखी, बेटा से दुखी, बहू से दुखी, पत्नी से दुखी, पति से दुखी, पड़ोसी से दुखी, काम से दुखी, नौकर से दुखी, दुखी 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 दुखी। लेकिन ये एकादशी, एक एकादशी का नाम कहते ये पापमोचनी। पापमोचनी मतलब क्या है, कहते अगर वो एकादशी व्रत कोई करेगा ना, कहते उसका जितने सारे पाप है, विजय इधर आ जाओ, इसलिए उसको जितने इधर आ जाओ, इसलिए उसका जितने सारे पाप है ना, वो सारे पाप उसकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसका इसका नाम है कहते पापमोचनी। देखो एक स्टोरी सुनो, ध्यान देकर सुनो, मैं जितना सुना रहा हूँ अगली बार सबसे सुनूंगा मैंने क्या बताया, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसलिए देखो, हाँ ध्यान देकर सुनिए स्टोरी को, ये पापमोचनी, इसका एकादशी ना पापमोचनी क्यों है। बोले एक समय स्वर्ग में सारे देवता लोग बैठे हुए थे, इंद्र चंद्र हैं, कहते इंद्र चंद्र वायु वरुण सारे 33 करोड़ देवता बैठे हुए थे, सारे देवता। वहां पर एक गंधर्व और एक गंधर्विणी उनको सामने नृत्य कर रहे थे, उनको नृत्य दिखा रहे थे। लेकिन अभी उनका जो प्रेम था ना, नई नई प्रेम था, प्रेम कैसे था, नया प्रेम। नया प्रेम में क्या होता है जानते हो, पहले पत्नी लगती है चंद्रमुखी, लगेगा जैसे आकाश में एक चंद्रमा और हमारे पास में एक चंद्रमा है, लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में हो जाती सूर्यमुखी, फिर वही सूर्यमुखी कुछ दिन बाद में फिर भलकोनी निपले ज्वालामुखी हो जाती है, फिर तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, ये एक बोले वो दो बोले वो तीन है, कहते थोड़ा खोल दो, ज्यादा कर खोल दो। इसलिए कहते इसलिए वो नया प्रेम था। और अभी जब सारे देवताओं को सामने जब नृत्य कर रहे थे, वो जो गंधर्व था ना, वो जो गंधर्विणी, वो बड़ी देखने में बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी थी, लेकिन वहां उनको सामने नृत्य कर रहे थे, उनको कला दिखा रहे थे, लेकिन वो गंधर्व गंधर्विणी के ऊपर में इतने आसक्त हो गया था, इतने आसक्त हो गया था, हर बार उसको मुंह कैसे देखता रहता था, उसको मुंह कैसे ताकता रहता था। इतने में वहां इंद्र चंद्र बैठे हुए थे, बोले एक दुष्ट तुमको पता नहीं, यहाँ पर तुम लोग हम लोगों को यहाँ पर नृत्य विद्या सिखा रहे हो, और नृत्य करते 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 सब नृत्य विद्या भूल करके तो बारंबार उसको तरफ में देख रहे हो, शर्म नहीं तेरे को, और तू भूलते जा रहे हो,
तो उन्होंने इंद्र ने अभिशाप दिया दोनों को, बोले जाओ तुम मर्त्य जगत में जा करके पिशाचिनी, पिशाच और पिशाची जन्म में तुम दोनों जाओ, पिशाच और पिशाची है, पिशाच और पिशाची जन्म में जाओ। वो जो जन्म है कहते किसको ऊपर में भूत, किसको ऊपर में सवार हो जाता है, सवार होकर उसको खून पीते हैं, हैं उसको खून पीते हैं। अभी उन्होंने पिशाच और पिशाचिनी होकर के बड़े दीन तक बड़े दुख कष्ट उठाया, रात होने पर पागल हो जाते थे, क्यों खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हैं इसलिए किसको पर सवार होकर के उन्होंने किसको खून पीते थे। जब बड़े दिन तक ऐसे गया, एक दिन ये दोनों सोच रहे हैं क्या हम जीवन ऐसे ही जिंदगी भर बिताते रहेंगे, फिर ये प्रेत जन्म से भूत पिशाच जन्म से हमारी क्या मुक्ति नहीं होगी। एक दिन उन्होंने समस्त शास्त्र को सुनते सुनते उन्होंने देखा एक एकादशी जिसका नाम पाप मोचन एकादशी है, वो एकादशी व्रत रखने से जितना जीवन का तुम्हारी पाप है वो सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, हैं इसलिए बोले देखो एकादशी। अभी जैसे हम लोग दिन में खाना खा लेते हैं, हैं एक दो बार प्रसाद पा लेते, पहले एकदम पूरा निर्जला व्रत रखते थे, बोले देखो रात होने पर जब तक तो किसका वो खून नहीं पीते हैं वो छटपट छटपट करते थे, बोले हम लोग एक काम करेंगे किसी तरह से बड़े कष्ट से हम दोनों ये एकादशी व्रत रखेंगे, रात को किसका खून नहीं पिएंगे और भगवत स्मरण करते हुए ठाकुर को स्मरण करते हुए दोनों जीवन बिताएंगे। अभी उन्होंने दोनों पिशाच और पिशाचिनी उन्होंने बड़ी कष्ट से सहन करते हुए बिना कुछ खाए पिए उन्होंने ये पाप मोचन एकादशी व्रत रखे। जब एकादशी व्रत रखे दूसरे दिन ही ना उन्होंने जैसे उन्होंने अपना व्रत को खोले, व्रत खोलते ही सारे पाप से नष्ट नष्ट होकर के दोनों फेर गंधर्व और गंधर्विणी बन करके दोनों फेर स्वर्ग लोक में जब गए, इंद्र तो देख करके आश्चर्य हो गया, बोले इधर आओ मैंने अभिशाप दिया था, क्योंकि इंद्र ने अभिशाप दिया था ना पिशाच और पिशाच नहीं बनो, कल ऐसे कौन सा तुम लोगों ने पुण्य किया जो कि ये पिशाच और पिशाच नहीं से तुमको मुक्ति मिली, बोले हमने ये एकादशी व्रत किया, ये पाप मोचनी एकादशी हमने व्रत की, इसी व्रत से ही हमें ये सारे पाप से मुक्ति मिली। बोले बाबा एकादशी की इतने महिमा, हमारे भारत में क्या होता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिन तक बिस्तरा में पड़ा हुआ रहता है, साल साल तक उसमें टाटी कर रहा है, उसमें पेशाब कर रहा है, बड़ा दुख कष्ट उठा रहा है, किसी तरह से उसको उद्धार नहीं हो रहा है। अगर किसी ब्राह्मण को बुलाओ ना, इनकी जल्दी से जल्दी पाप कैसे खत्म होगा, तभी तो साल साल तक बिस्तरा में पड़ करके टाटी पेशाब करते रहते ना, जब बुलाएंगे ना वो और कोई व्रत नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत रख करके इसका फल इनको दे सकते हो, और कोई बार व्रत का नाम नहीं बताएगा, बोले एकादशी का व्रत रख करके इसका कोई फल दे सकते हो, देने पर एकदम उसी समय उसका सारे पाप नष्ट हो जाती है। उसी समय में आपको ये हॉलैंड में आपको पता होगा जो ये थी ना जो इंडिया में शादी की उसका नाम क्या थी, अरे इंडिया में जो शादी करके गई है बोलो उसका, विशाखा, हाँ कहते उनकी परिवार में, हाँ उनके परिवार में कोई एक व्यक्ति हॉस्पिटल में यहाँ पर पड़ा था, आप लोग गए होंगे मेरे साथ में, उनको परिवार में एक पिताजी यहाँ इधर हॉस्पिटल में बड़े दिनों तक बिस्तरा में पड़े हुए थे, शरीर में हड्डी हड्डी रह गया था, वो किसी तरह से प्राण नहीं छूटता था। जब मैंने आया ना मेरे को लेकर उन्होंने हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जा करके बोले बाबा इनकी सदगति जल्दी कैसे होगी, बड़े दिनों से ये बिस्तरा में पड़े हुए इनके प्राण नहीं जा रहे, उसमें टाटी पेशाब कर रहे। मैंने कहा एक काम करो तुम लोग एकादशी का व्रत करके इनको फल देना। बोले अभी 10 दिन बाकी है, बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। मैंने कहा आज संकल्प लो, फूल लो हाथ में, फूल लेकर के संकल्प करो जब हम सब मिल करके एकादशी का व्रत का फल देंगे। उन्होंने संकल्प किया, ये हलन की बात है, और उसी रात को शरीर छूट गई उनकी, उसी रात को ही उन्होंने का शरीर छूट गई। इसलिए इतने एकादशी की इतने महिमा, इसलिए एकादशी को बताइए कल्प वृक्ष व्रत है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब क्या लक्ष्मी, वो एकादशी व्रत करो ना घर में खूब हीरो आएगी तुम्हारी, इसलिए उसका नाम इंदिरा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से जीव जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त मिलेगा। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से पूरा जगत में तुम्हारी विजय, विजय जगत में सारा का, जैसे विजय का हो रहा है जगत में तुम्हारी विजय, विजय तुम्हारी जगत में होगी, है विजय, विजय होगी।
इसलिए एक एकादशी का नाम अर्नदा, जिसको करने से घर में खूब अर्न आएगा, खूब घर में सच्चे आएगी। आप देखना पढ़ करके, हर एकादशी का नाम अलग अलग, अलग अलग एकादशी, हर एकादशी का नाम अलग अलग है, हैं? इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दान से, तपस्या से, यज्ञ से, स्वाध्याय से, व्रत से भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर वह चीज भगवान के लिए हो जाए फिर तो भक्ति का कारण बन जाती है। इसलिए बोले व्रत से नहीं मिलते हैं, लेकिन एकादशी व्रत रख लो, बस भक्ति का जननी है। एकादशी से भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी मतलब होता है ग्यारह, ग्यारह से, हाँ ग्यारह है, इसलिए हमारे ग्यारह इंद्रियां हैं। आज का दिन क्या करनी चाहिए, रोज रोज जितने हरिनाम करते हैं आज के दिन थोड़ा ज़्यादा हरिनाम करो, रोज जैसे ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हो आज थोड़ा ऐसे करो, ठाकुर जी के लिए सुंदर फूलों की माला बनाओ थोड़ी सी, नहीं तो आज का दिन थोड़ा थोड़ा ठाकुर के लिए फूल लाओ, थोड़ा फूल ला करके ठाकुर जी के लिए माला बनाओ, नहीं तो ठाकुर का चरण में, गुरु जी के चरण में, सबको वैष्णव का चरण में एक एक फूल प्रदान करो। और आज का दिन रोज जो खाना बनाते हो, आज का दिन नियम है जो चीज आज का दिन नहीं चलता है ना, जो चीज नहीं खाओगे आज, वो चीज ठाकुर के लिए थोड़ा बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ना, जैसे सोयाबीन का रसा बन रहा है, सोयाबीन का सब्जी बन रहा है, टप्पू बन रहे हैं, हाँ पास्ता पिज्जा, हम पहले क्या सोचते हैं, बढ़िया प्रसाद बन रहा है, मतलब है यद्यपि प्रसाद बन रहा है ठाकुर जी के लिए, लेकिन पहले हमारी खाने की इच्छा हो जाती है, आज बढ़िया खाना बन रहा है, हैं हैं आज का, लेकिन आज का दिन जो चीज नहीं खा सकते, जो ठाकुर के लिए भोग लगेगा, जो चीज हम नहीं खाते, नियम है आज का दिन वो चीज को बना करके ठाकुर को भोग लगानी चाहिए। क्यों, तुम्हारी खाने की इच्छा नहीं रहेगा, नहीं ये केवल ठाकुर जी के लिए ही हम बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, अपना लिए बना, ठाकुर के लिए बना रहे हैं। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हर चीज अगर भगवान का उद्देश्य में हो जाए फिर वो वस्तु भगवत प्राप्ति का कारण बन जाते। तपस्या से नहीं मिलता है, लेकिन अगर भगवान के लिए तपस्या करो, हैं तपस्या मतलब तप, शरीर को तपाना, हाँ जैसा जो एकादशी व्रत है, हैं इसलिए शरीर तपाना मतलब बैठ करके एक जगह पर भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान के नाम को जप करना, हैं नाम को जप करना। इसलिए यहाँ पर बताए ये सब चीज भगवान के लिए होने पर भगवत प्राप्ति की सब कारण बन जाएगी। फिर उसको बाद में कहते हैं कि जैसे ज्ञान है, जैसे योग है, जो कर्म है, कि ये भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज अगर भक्ति में नहीं जोड़ोगे, ये ज्ञान भी ज्ञान का फल नहीं देगा, तुम्हारी कर्म भी कर्म का फल नहीं देगा, योग का फल नहीं देगा। अब देखना कोई भी हम काम करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, अरे अच्छे तरह से मन लगा कर करो, भक्ति करके, पढ़ाई भी करते हो ना, अरे भक्ति से तो पढ़ाई करो, मतलब मन लगा कर तो करो कहते हैं ना। इसलिए हर चीज ज्ञान भी साधन कर, अरे ठीक से तो करो, हैं कोई भी चीज अगर भक्ति उसमें नहीं जोड़ोगे वो चीज तुम्हें फल नहीं देगा। लेकिन भगवान की जो भक्ति ऐसे की चीज है, वो किसी की मदद की जरूरत नहीं, भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र, वो स्वतंत्र है, बिना किसी के मदद लिए हुए भक्ति पूर्ण रूप में तुम्हें फल प्रदान करेगी, किसी का भी भक्ति मदद नहीं लेती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, भक्ति कैसे बोले, जैसे रानी, भक्ति जैसे रानी, जब रानी चलती है ना उसको साथ में कौन कौन चलती, जितने उनकी सहेलियां, जितने सखियां, जितने नौकरानी हैं, उसको पीछे 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 चलती हैं। उसी तरह जब भक्ति हम करते हैं, भक्ति करने पर उसको पीछे पीछे जितना रिद्धि सिद्धि वैभव जोग तपस्या, उसको पीछे 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 चलते हैं, हैं। इसलिए भागवत में बताया, भक्ति स्तई स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा जलि सेवत असमान धर्म अर्थ काम समय प्रतिज्ञा। देखो कहते अगर भगवान के चरण में तुम्हारी भक्ति हो गई, ठाकुर जी के चरण में तुम्हारी प्रीति हो गई, प्रेम हो गई, भक्ति हो गई, हाँ भक्ति हो गई ना, कहते क्या भक्ति को द्वारा क्या होता है, बोले मुक्ति, जो मुक्ति है ना, जो ज्ञानी लोग मुक्ति पाने के लिए कितने कष्ट करते हैं, वो मुक्ति क्या करती है, घर को बाहर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, कब भक्त मेरे को थोड़ी कृपा करके अपना सेवा में लगाएंगे। बोले धर्म अर्थ और काम, धर्म जो धर्म करके लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो अर्थ पा करके दान करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, जिसको पा करके जगत में विषय भोग करना चाहते हैं, अगर प्रभु की भक्ति तुम करो ना, कहते ये सबके सब अपने आप भक्तों के पास में आ जाता है।
अपने आप, उनको कुछ करने जरूरत नहीं, भक्ति को पीछे पीछे सब। जैसे हनुमान जी का नाम सुने हो, हनुमान जी का नाम सुने बोले रिद्धि सिद्धि वैभव अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य है, ये जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि। जब इच्छा करते हनुमान छोटे हो जाते हैं, जब इच्छा करते बड़े हो जाते हैं, जब इच्छा करते हैं हाँ, क्या हनुमान जी नहीं करते हैं। हम हनुमान जी के चरण में प्रार्थना में बढ़िया स्त्री दे दो, बढ़िया नौकरी दे दो, बढ़िया दुकान मकान। भैया हनुमान कहीं कमाई कर रहे हैं, कोई काम फैक्ट्री खोला हुआ क्या? हनुमान कोई फैक्ट्री खोले जो दे देते हैं? बोले कहाँ से देते हैं? बोले भगवान की भक्ति के बल पर प्रदान करते हैं। शंकर जी को हम पूजा करते हैं, माता देवी को पूजा करते हैं, दो दो हमें ये दो हमें ये दो। भैया कोई फैक्ट्री कोई खोले, कोई फैक्ट्री खोला हुआ दे देंगे? कहते केवल भगवान की भक्ति के बल पर, केवल ठाकुर का नाम का बल पर ये सारे चीज़ें प्रदान करते हैं और कुछ नहीं, केवल भक्ति का बल पर प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते जो भक्ति है ना, अगर तुम्हारे अंदर में सारे गुण हैं, सारे गुण दुनिया के जितने गुण तुम्हारे अंदर में, कहते अगर भगवान की भक्ति तुम्हारी नहीं, वो उदाहरण देते क्या है, बोले भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राणश्चैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। एक उदाहरण दिया, जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति हाँ, शरीर छूट गई, कोई स्त्री है उसका शरीर छूट गया, लेकिन उसका सारा शरीर को हीरे जवाहरात से पूरा शरीर को श्रृंगार करो बढ़िया से। भैया उसका कोई महत्व है? वो तो शरीर छूट गया, मर और मरा हुआ शरीर है, और ये मरा हुआ शरीर में तुम जो इतने श्रृंगार करे उसका कौन सा दाम है? कोई दाम नहीं है उसकी, क्योंकि मरा हुआ शरीर। यहाँ पर कहते हैं तुम्हारे अंदर में सारे गुण है विद्यमान, लेकिन तुम्हारे अंदर में भगवान की भक्ति नहीं, कहते तुम्हारी जीवन जीरो है, जीवन तुम्हारी जीरो है। लेकिन तुम्हारे अंदर में कुछ भी नहीं, कोई गुण नहीं तुम्हारे अंदर में, लेकिन केवल भगवान की भक्ति एक गुण है, बोले हीरो है, तुम हीरो हो। बताओ सबरी के अंदर में कौन सा गुण था? बताओ भगवान जिसका झूठा बेर खाए, सबरी अपवित्र है, वो अंदर में प्रवेश किया तो ब्राह्मण लोग को आश्रम छोड़ करके चले गए, बोले अंदर में घुस गया तो आश्रम अपवित्र हो गया। लेकिन एक दिन गुरु जी की कृपा मिली, एक दिन स्वयं राम लक्ष्मण वहां पर आए और भगवान को अपना झूठा बेर खाए हैं, ठाकुर जी को झूठा बेर खाए। क्या गुण था उसके अंदर में? कोई गुण नहीं, लेकिन एक गुण थी, प्रभु की चरण में उसकी प्रेम थी, प्रभु की चरण में उसकी भक्ति थी। बता मीरा को अंदर में कौन सा गुण थी? सारा दुनिया मेरो गिरिधर गो बोलो पाला मैं तेरी तो मेरा मेरो गिरिधर गो पाला मैं तेरी तो मेरा। इसलिए मीरा की जो भजन अद्भुत भजन है, जब उसने भजन की ना, सारा दुनिया उसको विरोध हो गई, पति विरोध हो गई, उसकी देवर विरोध हो गई, उसकी सास विरोध हो गई, उसका ननंद विरोध हो गई, सब उसको विरोध विरोध, गांव वाले सब विरोध हो गए, सबके सब विरोध हो गए, लेकिन मीरा ने अपना भजन नहीं छोड़ी, अपना भक्ति का रंग उसने नहीं छोड़ी, उसकी भक्ति की रंग उसने नहीं छोड़ी, भजन प्रभु की भजन नहीं छोड़ी। देखो दुनिया में किसकी जय जयकार हो रही? मीरा की जय जयकार हो रही, सारा दुनिया चरण की पूजा करती, समझ रहे हो ना? इसलिए देखो आप लोग भी जब भक्ति में आओगे ना, आपका सारे परिवार बिगड़ गए होंगे, बिगड़ गए कि नहीं? पहले हमारे साथ में बैठ कर पिता था, अभी हमारे साथ पिता ही नहीं। पहले एक साथ में बैठ कर मांस खाते थे, अभी मांस नहीं खाता है। पता नहीं कौन सा पागल दल में जाकर मिल गया, कौन सा पागल दल में ये जाकर के मिल गया। पहले हमारे साथ में जाता था, पार्टी में आता था, पता नहीं इनका कौन अलग की पार्टी बन गया, इनके अलग पार्टी बन गया, इनकी एक अलग पार्टी बन गया, हरे कृष्ण पार्टी बना दिया, नया पार्टी कहाँ से बन गया है? हैं, देखना आप जो भक्ति में आए होंगे, देखना तुम्हारे सबके सब घर में विरोध हो गए कि नहीं, पूरा परिवार। लेकिन ये पार्टी नहीं छोड़ना, दुनिया की पार्टी छूट जाए लेकिन ये पार्टी हमें नहीं छोड़ना है। देखो जब विभीषण ने भजन किया ना, विभीषण रावण ने उसको लात मारकर भगा दिया। विभीषण जब भजन की, रावण को समझाया, रावण उसको लात मारकर भगा दिया वहां से, लेकिन उसने क्या किया? केवल प्रभु राम की शरण में आ गए, केवल इतना और कुछ नहीं, केवल राम के शरण में आए। बोले जिस
लंका को पाने के लिए, जिस लंका को पाने के लिए रावण ने 10 बार अपना सर काट करके शंकर जी को दे दिया, 10-10 बार, इसलिए उसका नाम पड़ेगा दशानन। 10 बार उन्होंने अपना गला को काट करके दे दिया, इतने कठोर प्राप्ति किया। लेकिन देखो भक्ति में क्या, देखो इसमें क्या गुण है। विभीषण ने क्या किया, उसने केवल आ करके प्रभु राम की शरण में प्रणाम कर लिया, चरण में केवल प्रणाम कर लिया, प्रभु मैं आपकी शरण हूं, बस भगवान राम उसको राज तिलक लगा दिए, आज से तुम लंका का राजा बन गए। इतने में विभीषण वहां पर, ये था सुग्रीव था, हैं वहां पर सुग्रीव था, सुग्रीव ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, हैं अभी तक रावण को मारे ही नहीं, और पहले से ही आप तो विभीषण को राज तिलक मतलब उसको घोषित कर दे, आज से लंका का राजा विभीषण। तब सुग्रीव कहता है बोले प्रभु अगर 1% रावण अगर आपकी शरण में आ गया तो, अगर रावण तुम्हारी शरण में आ गया अब उसको तो राज तिलक लगा दिया, राजा ये बन गया, अब जो बोलते वो सही होता है। अभी अगर रावण अगर 1% आ गया तो फिर क्या करोगे, रावणों को क्या दोगे? देखो ठाकुर क्या कहते हैं, भक्ति की क्या महिमा। भगवान कहता अगर रावण 1% आ गया ना उसको मैं अपना अयोध्या दे दूंगा। बोले जाओ तो अयोध्या का राजा बन जाओ। बोले अयोध्या का राजा, आप तो भरत को अयोध्या दे करके आए हो, अभी अयोध्या भरत, अयोध्या का राजा भरत है ना, फिर ये भरत किसको दोगे? बोले भरत को क्या दोगे? बोले भरत को अपना बैकुंठ लोग दे दूंगा। बोले भैया भरत को बैकुंठ दे दोगे, रावण को अयोध्या दे दोगे, विभीषण को दे दोगे लंका, फिर आप कहां रहोगे? फिर आप कहां रहोगे? हैं कहते आप कहां रहोगे? देखो भगवान क्या कहते, बोले मेरे लिए कहीं किसी स्थान की जरूरत नहीं, मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वहीं पर रहता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरी कीर्तन करते हैं, मैं भक्तों का हृदय में, भक्तों का हृदय में मैं निवास करता हूं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं। इतने भगवान दयालु, भक्ति की इतने महिमा, जिस लंका को पाने के लिए रावण इतने कठोर तपस्या किया, सोने की लंका को विभीषण कुछ भी नहीं, केवल प्रभु का चरण में उसने प्रणाम कर लिया और भगवान उसको पूरा लंका ही दे दिया, पूरा लंका दे दिया। इसलिए कहते हैं भगवान की जो भक्ति है, विश्वनाथ कुठार कहते हैं भैया और इधर उधर तुम्हें भटकने का जरूरत नहीं, इधर उधर मत भागो, बस केवल प्रभु की शरण में आ जाओ। सुदामा को प्रभु क्या नहीं दिया, सुदामा जी को, पांडव को उन्होंने क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ उन्होंने पांडव को दे दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो भक्ति ये सर्वतत्र स्वतंत्र है, आपके कहीं जाने का जरूरत नहीं। हाँ और एक बात बताते हैं, वो कहते विश्वनाथ कवि ठाकुर देखो अगर कोई कर्मी, कोई ज्ञानी, कोई योगी, अगर इनका जीवन में अगर कोई दुष्कर्म हो जाए ना, कोई पाप कर्म हो जाए, इनका बड़ी निंदा होती है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो साधारण नहीं था, सारे वेद को पढ़ा हुआ था, सारे वेद पढ़ा हुआ था उसने, लेकिन उसने माता सीता को उठा करके ले गया। अभी रावण का कोई नाम करते हैं हमारे भारत में, अभी भी रावण का जो पुतला है ना उसको अभी भी जलाते हैं। तुम्हारे सुरिनाम में जलाते हैं? नहीं जलाते होंगे, अभी चलाते हैं ना, जलाते हैं ना, होली का। हाँ इसलिए कहते हैं रावण और कंस है ना, ये कंस और रावण का हमारे भारत में अभी भी हर साल उसका पुतला बना करके उसको जलाते हैं। हाँ उसको जलाते, बोले क्यों? बोले भगवान की जितने बड़े ज्ञानी होने पर भी भगवान की भक्ति का विरोध किया है, अगर थोड़ी सी कोई उल्टा पुल्टा हो गया ना, जिन अभी भी उसको कहा त्रेतया युग में आया था 1000 लाख साल पहले, अभी भी उसका पुतला जलाते हैं, अभी भी उसको जलाते रहते हैं, हैं? लेकिन अभी जो भक्ति किया, हनुमान जी भक्ति किया, अभी भी पूजा करते, बंदर होने पर भी पूजा करते हैं सुग्रीव को, हैं विभीषण को, क्यों? इन्होंने भगवान की भक्ति की, इसलिए अभी भी इनकी पूजा होती है, हैं? अभी भी इनकी पूजा होती है जगत में। इसलिए विश्वनाथ चकुठार कहते हैं लेकिन भक्ति जगत में अगर कोई आ गए ना, जैसे अजामिल, नाम सुने हो अजामिल का? कौन कौन नाम जानते हो? जानते हो अजामिल? ये अजामिल बड़े बड़े पाप कर्म किया, अपना पत्नी को त्याग दिया, वेश्या को साथ में रहा, और उसको उसका हाथ से अमेध कुमेध जितना गंदे गंदे चीज खाई, मांस मछली सब खाए, चोरी डकैत किया, लेकिन अपना बेटे का नाम केवल नारायण रख लिया था, भूल से अपना बेटे को नारायण बोल दिया। तो देखो अभी पूजा हो रहा है कि नहीं, भागवत में स्वर्ण के अक्षर में उसका नाम लिख गया,
स्वर्ण के अक्षर में उसका नाम भागवत में लिखा हुआ है, हैं? इसलिए कहते अगर जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अगर तुम अगर प्रभु की भक्ति में आ गई ना, तुम्हारी पूर्व चीज को कोई नहीं देखते हैं, तुमने अभी किया। जैसे जगाई में अधाई नाम सुने कि नहीं, सारे पाप जगाई में अधाई किया है, उनका नाम सुनते इतने ऐसे पियकड़ थे, ऐसे शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, जिनका नाम सुनकर दुनिया कांप उठता था। हाँ, जिस रास्ता में बैठे गए ना, रास्ता खाली, कोई नहीं जाते थे, पी पा करके पागल रहते थे। लेकिन जब भगवान की भक्ति में आए, फिर उनका पूर्व चीज को कोई देखते हैं नहीं, ये पहले ऐसे था, ऐसे था, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। उसका दोष को नहीं, गुण को देखते हैं, उसकी गुण को देखते हैं। जैसे वाल्मीकि का नाम सुने, अभी पहले दस्यु था, पहले उसने दस्यु रत्नाकर था, ये भी दुष्ट था। लेकिन जब भगवान के नाम किया, प्रभु की भक्ति किया, अभी उसकी कोई बदनामी है? घर घर में पूजा हो रही है, घर घर में पूजा हो रही। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, देखो भगवान की भक्ति में आ जाओगे ना, तुम्हारी पूर्व चीज को कोई नहीं देखेंगी, अभी जो कर रहे हो बस वही चीज को देखेंगे, हैं? लेकिन दूसरे दूसरे जो चीज है, जो कंस भी बड़ा ज्ञानी था, हिरण्यकशिपु बड़ा ज्ञानी था, हिरण्यकशिपु जब उसकी भाई की मारा गया ना, भागवत पढ़े हो सप्तम स्कंध में, तो खोल दो, क्यों बंद कर रहे हो? इसलिए सप्तम स्कंध पढ़ कर देखो, जब हिरण्याक्ष को भगवान बराह अवतार में मारे, आप पढ़ करके देखना क्या ज्ञान दे रहा है, जिसको सुन सुन के तुम्हारा होश उड़ जाएगी। इतने ज्ञान दे रहे ना, जिसको सुन सुनकर आप दंग रह जाओगे। लेकिन दुनिया में इनकी कोई पूजा नहीं, क्यों? भगवान की भक्ति नहीं किया। लेकिन प्रभु की भक्ति में जो आ गए, बस सब कुछ उसका कल्याण कल्याण मंगल मंगलमय हो गया। इसलिए भगवान की भक्ति की महिमा है। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर भक्ति की सर्वश्रेष्ठत्व को स्थापन कर रहे हैं। इसलिए करना तो क्या करना, भगवान की भक्ति ही करना, ठीक है ना? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की। हाँ, और 5 मिनट सुन लो, ठीक है? हाँ, 5 मिनट है कि नहीं? हाँ, देखो कल हम सुन रहे थे श्री प्रभुपाद ने, उन्होंने, मैं तो ग्रंथ नहीं ला सका, देखो इसका नाम है प्रभुपाद, यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी बात बताई, कैसे हमारी हरि नाम में रुचि हो, हैं? इसलिए बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। इसमें कुछ 8 उपदेश है प्रभु जी, 18 instruction प्रभुपाद का है, कैसे हम भगवान की हरि नाम करनी चाहिए। इसलिए इसका नाम प्रभुपाद ने नाम रखा, देखो, नाम भजन का निगूढ़ रहस्य, समझ गए? नाम भजन का ट्रांसलेशन करो, भगवान के नाम करने के लिए है जो अत्यंत अत्यंत जो गोपनीय जो रहस्य सीक्रेट है, हाँ, जो अत्यंत अत्यंत जो गोपनीय सीक्रेट है, तब प्रभुपाद ने यहाँ पर बताए। इसलिए कल हम लोगों ने 2-3 उपदेश को सुने, आज भी कोशिश करेंगे 2-3 उपदेश को आज भी सुनने के लिए, जिसको सुनने से हमारी हरिनाम करने के लिए हमारी अंदर में रुचि आएगी, हैं? क्योंकि कलयुग में, हैं, बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। हरे नाम, बोलो हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलहो नास्तेव 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 गति रन्यथा। इसलिए कलयुग में ठाकुर का नाम का सिवाय और कोई उपाय नहीं। इसलिए प्रभुपाद इसलिए बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, हैं? इसलिए आज हम श्रवण करेंगे, कहते यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण नाम उच्चारण कई भक्ति बलिया जानी वे, हैं? अगर कोई बोलेगा अरे हरि नाम करने से क्या होता है, प्रभुपाद कहते नहीं। इसलिए जितने भजन में जो सर्वश्रेष्ठ भजन है, भगवान का नाम ही भजन है, ठाकुर का नाम भजन ही सर्वश्रेष्ठ भजन है। हम इस दिन एक कथा सुना रहा था ना, जैसे आपको जगत यहाँ पर कैसे होगा, देखो हमारे भारत में जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बच्चा स्कूल पढ़ता है,
कि देखो अगर क्लास फाइव को अच्छे तरह से तुम पढ़ लिया ना, बस जीवन बन गया। हमारे भारत में बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं क्लास फाइव में बढ़िया मार्क लाए। अभी क्लास फाइव में बढ़िया मार्क ले आए, उसके बाद में कहते अगर भैया क्लास फाइव तो सब पास करते, लेकिन जो क्लास टेन है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्लास टेन को अगर बढ़िया नंबर ले आए ना, बस हो गया। अभी क्लास टेन को, क्योंकि भारत में बड़ा कंपटीशन है ना, इसलिए क्लास टेन को बढ़िया से लाए। उसके बाद कहते भैया सारा दुनिया टेन पास करते, क्लास जो ट्वेल्व है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास ट्वेल्व के बाद में हमारे इंडिया में तुम सीए करोगे ना, डॉक्टर में जाओगे ना, इंजीनियर में जाओगे, फिर वो अपना सब्जेक्ट को चुनते हैं। बोले क्लास टेन को अच्छे तरह से पढ़ लो। अभी क्लास ट्वेल्व बढ़िया नंबर लाने के लिए कोशिश करता है, जैसे 90 आ जाए, हाँ 90 आ जाए, नहीं तो कुछ 80 ऊपर से आ जाए, हैं। अभी अच्छे तरह से 12 जो आ गया, बोले सारा दुनिया भी 12 करते हैं। अभी तो कोई सब्जेक्ट को तो चुनो, सीए करोगे ना, डॉक्टर ना, इंजीनियर किस लाइन में जाओगे, अभी तो कोई तो ये चुनो। फिर बोले सीए नहीं तो इंजीनियरिंग करता है, नहीं तो कंप्यूटर, जब उसको पढ़ लेता है अच्छे तरह से 5 साल लगता है, 5 साल जब कर लेता है, बोले भरे अभी दुनिया ये सब पढ़ाई किया है, पढ़ाई किस लिए किया, नौकरी के लिए किया है ना, अभी नौकरी करो। फिर नौकरी ढूंढता है, फिर बड़े कष्ट से 8-8, 10-10 घंटा कहीं फिर नौकरी करता है। जब नौकरी कर लेता है ना, फिर हमारे भारत में क्या कहते हैं, बोले तुमने इतना पढ़ाई लिखाई क्यों किया, ये नौकरी चाकरी क्यों किया, शादी के लिए ना। और भारत में कहते हैं जब तुम उसका अच्छे नौकरी हो जाए ना, फिर जब उसकी शादी देखते हैं, लड़का लड़की, लड़की लड़का से देखते हैं, ये कौन सा काम कर रहा है, इसका नौकरी चाकरी कैसे, बढ़िया पैसा कमाता क्या नहीं, उसको बाद में देखते हैं। बोले तुमने इतने पढ़ाई लिखाई क्यों किया, नौकरी शादी के लिए ना, ये दुकान वकान क्यों बनाए हो, शादी के लिए ना, अरे शादी करो। फिर शादी हो गई, शादी जब हो गई, बोले भैया दुनिया शादी करते हैं, अभी तो बच्चे जन्म दो, अभी बच्चे को जन्म दो, अभी किसी तरह से बच्चे जन्म दिया। बोले बच्चे तो जन्म दे थोड़ी, बच्चे को तो बड़ा बनाओ, बच्चे को तो होनहार बनाओ, फिर बच्चे को अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसको बाद में बोले फिर बच्चे को भी तो शादी कराओ। आप देखना ऐसे करते 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 जब जीवन समाप्त हो जाता है, जब शरीर पूरा जीवन समाप्त हो गया, जब शरीर मर गया वो आदमी, उसको फिर कंधे पर, चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, और क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। अंतिम समय में उसको सुनाते हैं, तुमने जितने हरि का नाम लिया, जितना कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं, इसके बगैर तुमने जो कुछ इस जीवन में किया सब झूठे में बिताया। तेरे बीवी भी नहीं जा रहे हैं, तेरे पति भी नहीं जा रहे हैं, बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, दुकान मकान कुछ भी नहीं जा रहा है तेरे साथ में, तेरे साथ में वही जा रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पा आयो वस्तु अमो दी मेरे सदा गुरु कृपा करे आपना पायो जी मैंने राम रतन धन पा। अंतिम समय में बोले भैया जीवन में जितना राम का कृष्ण नाम लिया ना वही मिला, और कुछ नहीं मिला, सब छोड़ कर जा रहे हो, जगत में सब ही खोया, मतलब जीवन में सब गया तुम्हारी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, भैया देखो एक उपदेश में प्रभुपाद कहते हैं, लिखा पढ़ा पांडित शेष कथा क्या, समझ रहे हो बंगला, हम जो इतने लिखाई पढ़ाई पांडित इतने सब किया, इसका शेष का फल क्या है, प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम कीर्तन ही इसका फल है। अगर हमने बड़े विद्वान बन गए, बड़े एजुकेटेड बन गए, लेकिन इसका फल क्या है, पर भगवान का नाम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीर नाम सुने कि नहीं, केशव बड़ा विद्वान था, सरस्वती माँ जिसकी जुहा पर बैठ करके बात करती थी, विश्व ब्रह्मांड को उसने जीत लिया, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु को परास्त किया, भैया सारा दुनिया को मैंने परास्त करते करते आया, और एक छोटा बालक मेरे को परास्त कर दिया, इतना छोटा बालक, सरस्वती मेरे ऊपर नाराज है। तो उन्होंने रात को उन्होंने सरस्वती का मंत्र जप करते करते सो गए, जब सो गए माँ सरस्वती स्वयं प्रकट होती, बोले बेटा देखो सरस्वती क्या कहती है, ये चीज अच्छे तरह समझो, कहते मेरी कृपा दो तरह है, बोले जिसको मैं सही सही कृपा नहीं करती ना, उसको MA PhD डॉक्टर और इंजीनियर बना देता हूँ,
और करते करते दिन भर करता क्या, बोले संसार में गधा बना देता, संसार में गधा बनाता है उसको और कुछ नहीं। गधा क्या करता है, पीठ पर दाल चावल चीनी को धोएगा, खाते समय वो घास ही खाएगा, वो कुछ नहीं मिलता है। अब देखना सवेरे निकलते, जैसे घोंसला होता है ना, घोंसला चिड़िया सवेरे घोंसला से निकलता है, फिर शाम का आकर घोंसला में सो जाता है। सवेरे निकलेगा घोंसला से, खाना पीना करके आकर शाम को सो जाकर फिर जाकर सवेरे निकलेगा। हम तो ऐसे कर रहे हैं ना, अपना सवेरे घोंसले से निकले और दिन भर काम किया, सवेरे रात को आए किसी तरह थोड़ा खाए, टीवी दो एक मिनट देखा, बस सो गए, फिर सवेरे फिर निकले, फिर निकले। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गर्ध वर मता में करी परिश्रम कार लागी अत करे नाकुश दम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भैया कथा जैसे परिश्रम करता है, किसके लिए कर रहे हो, जगत में कौन किसका है, कि जगत बड़ा स्वार्थ जीवन है। बोले आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन आप कैसे नहीं, तुम कौन हो। पहले बोलेंगे हाउ आर यू, बोले व्हेन, बोले व्हेन यू हैव अ हीरो, हीरो गन, बोले हाउ आर यू नहीं हु आर यू, हु आर यू, फिर बोलेंगे हु आर यू, समझ रहे हो। इसलिए दुनिया में कोई किसी नहीं, बोले स्वार्थ वजह से सब जगत उड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर ये प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए माँ सरस्वती स्वयं कहती हैं, बोले देख बेटा मैं जिसको पर सही सही कृपा करती हूँ, मैं उसको भगवान को साथ में मिला, ठाकुर को साथ में, आज तुम्हारी जीवन धन्य हो गया है, जो चैतन्य महापुरुष से मिले वो मेरे पति है, मेरे पति है, आज तुम्हारे पर पूर्ण कृपा है, विद्या का फल है जो भगवान की भजन करोगे। पर जो चैतन्य महापुरुष के पास में जाओ, महापुरुष का चरण में जाओ, देखो महापुरुष क्या कहते हैं, बोले विद्या पढ़े के ना, महापुरुष कह रहे हैं भगवान, बोले विद्या क्यों पढ़ रहे हो, पैसा कमाने के लिए ना, दुनियादारी करने के लिए, बोले कृष्ण भक्ति जानी वाली, भगवान पूछ रहे थे, बोले इसलिए हम विद्या पढ़ रहे हैं, विद्या मतलब जानना, बोले कृष्ण भक्ति को जानने के लिए विद्या पढ़ रहे हैं। अगर वो प्रभु का भक्ति भक्ति कुछ नहीं किया, जिंदगी भर बोले पैसा कमाया खाए और कुत्ते सुअर जैसे मर गए, तो महाप्रभु कहते हैं भैया जब ये शरीर छूटेगा, ये तुम्हारी जितने डिग्री फिग्री है ना सब यहीं रह जाएगी, सारे डिग्री यहीं रह जाएगी तुम्हारी, कोई डिग्री आगे काम नहीं करेगी, जितने तुमने लिखाई पढ़ाई किया, साथ में केवल प्रभु का भक्ति जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते देखो सारे अभिमान को छोड़ो, छोड़ कर क्या करो, भगवान की नाम जप करो, भगवान की नाम जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, और एक उपदेश सुन लो प्रभुपाद का, प्रभुपाद ये बड़ी बहुत अच्छी उपदेश है। कोई कोई कहते हैं ना, हाँ देखो, कोई कोई कहते हैं भैया हम नियम करके हरिनाम क्यों करें, जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, कोई कहते हैं ना। महाप्रभु बोले नियम करके, यह जप गया सब करिया निर्बंध, मैंने जो तुम्हें हरिनाम दिया है ये हरिनाम को नियम करके करो, इतना माला करना ही, इतना माला, आज हमें 16 माला तो इससे कभी नीचे नहीं उतरनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जिसे ऊपर में जाए हैं। इसलिए यहाँ प्रश्न होता है फिर इसको फिक्स राउंड क्यों करना है, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते जब हम फिक्स राउंड से करते हैं ना, हमारा जो जड़ता हमारे अंदर में, जड़ता जड़ता मतलब क्या है, जड़ता मतलब होता है जो आलसपन है, हाँ जो आलसपन है, समझ रहे हो, आलसता, लेजी, तुम ट्रांसलेशन क्या कर रहे हो। इसलिए बोले कहते जब जब हम निर्बंध करके नाम करते हैं उसमें जो लेजीपन खत्म हो जाता है, जैसे नहीं 16 माला करना भैया, किसी तरह से 16 माला करना, जब लगेगा 16 माला करने के लिए अगर पूरी नहीं होगा ना, नहीं जब तक माला नहीं करेंगे सोएंगे नहीं, अगर बोलेंगे नहीं जितना इच्छा हो जाएगा कर लेंगे, फिर क्या एक माला भी नहीं करेंगे, एक माला भी दो माला भी बड़े कष्ट से करेंगे। लेकिन जब सोचेंगे नहीं, महाप्रभु तो कहते हैं जो व्यक्ति 1,00,000 हरिनाम नहीं करते, 64 माला नहीं करते हैं, उसका हाथ का खाना में खाता नहीं, उसका हाथ का मैं खाना नहीं खाता हूं। लेकिन 64 माला तो छोड़ दो, महाप्रभु बोले ना जो लखपति बनेगा उसका हाथ में खाना खाएंगे, जो लखपति बनेगा मतलब 1,00,000 हरिनाम करेगा। भैया अगर एक दिन में अगर लखपति नहीं, कम से 4 दिन में तो लखपति बनो,
चार दिन में तो लखपति बना, मतलब दिन में अगर 16 माला करेंगे चार दिन में क्या होगा, 1 लाख हरिनाम हो जाएगा, 1 लाख हरिनाम। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कहते संख्या निर्बंध राखिया उच्च स्वर कीर्तन कर ले अनर्थ निवृत्ति है जाड्य प्रभुति पलायन करे। कहते हरिनाम कैसे करनी चाहिए, भले संख्या रख करके, और थोड़ी ऐसे नहीं माला करते करते सो गए, नहीं तो माला करते करते हैं माला करते करते नींद आ गई, नहीं तो माला कर रहे उत्साह नहीं। इसलिए कहते माला करते करते कम कम से कम 3 तरह का नाम बताया। एक तरह का नाम तो जोर जोर से करना, जैसे हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर जोर जितना जोर करोगे तो उतना बढ़िया है, क्योंकि लता पता पेड़ पौधा हैं, इनके कान में भी हरि नाम जाएगा, उनका भी कल्याण होगा, बोले 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा। मन में हरि नाम करने पर जितने महिमा, कहते जोर जोर 100 गुण नाम फल ज्यादा मिलेगा हैं। अगर उतना नहीं, कम से कम ऐसे हरि नाम करो, कम से कम अपना कान तक तो जैसे नाम जाए, अपना कान तक कम से कम से नाम अपना कान तक पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। और मन में करेंगे तो फिर नींद आ जाएगी है। इसलिए कहते संख्या पूर्वक, कहते उच्च स्वर में अगर कोई हरिनाम कीर्तन करता है, कहते उसका जाड्य जड़ता मतलब लेजिनेस खत्म हो जाती है, एमन की हरि विमुख गण आर विद्रुप करते पारिवे ना। प्रभुपाद कहते हैं अगर उच्च स्वर से हरिनाम करोगे ना, जो प्रतिकूल व्यक्ति, जो भजन में तुमको जो बाधा देने वाले व्यक्ति, वो जो बाधा दे नहीं सकते, और तुम्हारे जीवन का जितने बाधाएं हैं, जितने हरिनाम करोगे भगवान जीवन का तुम्हारी सारी बाधाएं ठाकुर जी सारी बाधाएं दूर कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए हरिनाम को संख्या करके करो हैं। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि हम इसी महाप्रभु की धारा में, चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम लोग आए हैं हैं। चैतन्य महाप्रभु लाइन में आए, बड़े भाग्य से कोई महाप्रभु का धारा में कोई आते हैं, बड़े भाग्य से। क्या देखो, ये हमारे एकादश स्कंध में बताए सत्य त्रेतया और द्वापर, सत्य युग को कृत युग मानते हैं क्योंकि सब धर्म 4 चरण में रहता था। त्रेतया युग को राम राज्य कहते हैं, सबके सब सुखी रहते थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म आए, लेकिन एकादश स्कंध में बताया सत्य त्रेतया और द्वापर, यहाँ के लोग भी ये कलियुग में जन्म लेना चाह रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंड, ट्रांसलेशन कर रहे या कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंड ना, तो सत्य युग इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, त्रेतया युग वाले वेरी वेरी फॉर्चुनेट, द्वापर युग, बट सत्य त्रेतया द्वापर यू नो दैट हु इज द टुक बर्थ दैट टाइम, दे आर ऑल्सो टुक बर्थ इन दिस कलियुग। कलियुग नो बडी डोंट वॉन्ट टुक बर्थ, वाई दिस कली, कली मीनिंग द क्वारल एवरीवेयर, नो बडी वॉन्ट टुक बर्थ, बट इवन दे आर ऑल्सो वॉन्ट टुक बर्थ दिस कलियुग, वाई दिस कलियुग इज धन्य कलियुग, फॉर्चुनेट कलियुग, दिस कलियुग हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु केम दिस कलियुग। सो इवन डेमीगड दे आर ऑल्सो ट्राई टुक बर्थ दिस कलियुग एंड कमिंग दिस महाप्रभु लाइन। आई थिंक यू नो you are not ordinary person who is the came the spiritual life, before you are must take birth in satya yuga, tretya yuga also, dwapar yuga also, maybe you are before also some demigod also, you know, now you are come here and you know this is the Srimad Bhagavat told this thing, you know, you are not ordinary person, very very fortunate person, then somebody come in the line of Mahaprabhu, huh? So you are very very fortunate, so you are got harinam mantra every day, try chanting some peace round and nicely follow the limbs of bhakti, then this life you can go to back to godhead, hai na. Hum log jayenge isi jivan mein, hum bhagwan ke paas mein, thakur ke paas mein chale jayenge, phir to you know when coming very kaliyug, kehte jab very ghor kaliyug aa jayega, phir deep kaliyug, log andar maar peet hinsa dvesh hai, जब घोर कलियुग आएगा, लड़ाई झगड़ा अशांति बढ़ेगा, नहीं है ना, अभी देश देश में लड़ाई झगड़ा तरह तरह का अशांति, लेकिन जब दूसरा बार आओगे और ज़्यादा दुख मिलेगा। लेकिन इसी जीवन में ऐसे कोशिश करो, इसी जीवन में भजन करके इसी जीवन में बस ठाकुर के पास में चले जाए, फिर जगत में जन्म लेना नहीं पड़े, लेकिन तभी जाएंगे जब भगवान की भक्ति सिंसियर होकर के भक्ति करेंगे, ठीक है ना।
बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। गुरुदेव की। निताई विजय प्रभु की। हॉलैंड के सारे भक्त वृंद की। ठीक है, कल हम सवेरे कितने बजे निकलेंगे? 10:30 बजे ना, 10:30। हमारे 2:40 बजे मैंने देखा ये है, 2:40 10:30 बजे। एनीबडी एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है कोई किसकी? आरती आरती के लिए यहाँ सजाया आरती। हाँ, हरे कृष्ण। आज इधर श्यामा प्रिया एंड प्रेमानंदी, आज इधर प्रेम प्रेम इधर आ जा, आज इधर दोनों इधर आ जा।